नहीं देखिए, ये तो इसके बारे में, ये तो कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये भी तो एग्जैक्ट कमेंट तो वही कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये जो जब आपा लोग भी छोटे थे, बड़ी छोटी उम्र में थे, तब से सुनते हैं कि इस तरह के गैंगस्टर्स और ये जो चीज़ें बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज़ें सुनती थी, आप तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पंजाब में कभी ऐसा नहीं सुना था, ना सिंगर्स के बारे में, ना कभी एक्टर्स के बारे में। लेकिन ये जो नया शुरू हुआ है पिछले 5-10 साल से, बड़ा कंसर्निंग है, बड़ा मेजर इशू है कि यहाँ पे भी जो है, चाहे सिंगर्स हैं चाहे एक्टर्स हैं, उनको इस तरह की धमकियाँ, फिरौतियाँ, हमले, ऐसा जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, चाहे वो नेशनली हो, चाहे पंजाब में और चाहे इंटरनेशनली, कल जैसे एपी ढिल्लों के घर के ऊपर फायरिंग हुई है कैनेडा में, सो दैट मींस कि ये चीज़ ऑन द राइज है, और इस चीज़ के लिए सभी को मिलजुल के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स है, और चाहे इंटरनेशनल लॉज हैं, उनको काम करना चाहिए ताकि इस तरीके का ना होए। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल जो वो सेलिब्रिटीज़ को भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़, ऐसा रोल, ऐसा गाने या ऐसी लिरिक्स या ऐसा कनेक्शन नहीं होना चाहिए जिससे इस चीज़ को प्रमोशन मिले। उनकी तरफ से भी सहयोग चाहिए होगा, बाकी सारी जितनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको तो अपना काम करना चाहिए। तो दूसरा इसमें देखा गया कि काफ़ी जो सिंगर्स होते हैं वो डर के मारे एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाते, उनको आगे आना चाहिए क्योंकि एफआईआर दर्ज होगी तभी कार्रवाई करेगी। देखिए, डेफिनेटली लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके लिए इन लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर ये लोग सपोज आगे ही नहीं आते, और किसी न किसी को सपोज अगर कोई डिमांड आई और फिरौती दे दी, दैट मींस तो उनका जो 2 नंबर का जो गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, अगेंस्ट द लॉ कर रहे हैं, आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, उसको छुपा के और उनकी जो डिमांड्स है उसको मीट करके, इससे तो उन लोगों के हौसले और बढ़ेंगे। सो मेरी उन सब भाइयों को भी रिक्वेस्ट है, चाहे सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, कि ऐसा अगर कोई भी इंसिडेंट आता है, एटलीस्ट अगर, चलो इंटरनेशनली तो अलग बात है, अगर किसी का पंजाब में भी आता है तो प्लीज़ इमीडिएटली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, और पंजाब पुलिस उसके ऊपर काम करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए वचनबद्ध है। ये जिहड़े साडे साथी भी ने, साडे वीर ने, जिहड़े कि रोल मॉडल बन जांदे ने समाज दा और खास तौर ते यूथ दा, इन्हां दी वी किते ना किते समाजिक जिम्मेवारी यह बनती है कि वह इह जी कोई गल, कोई लिरिक्स, कोई गाना, कोई रोल इह जिहा ना करन जिहदे विच वायलेंस की प्रमोशन होवे, जिहदे विच वैर विरोध की प्रमोशन होवे, जिहदे विच किसी प्रति दुर्भावना की प्रमोशन होवे। इह जिहे चीज़ां तो इन्हां नूं भी समाजिक जिम्मेवारी समझदे होए, चाहे सेंसर बोर्ड के परव्यू दे विच आउंदा या नहीं आता, पर समाजिक परव्यू दे विच इह जरूर आउंदा, ते उहदियां कदरां कीमतां दा इन्हां नूं भी मेरी बेनती है कि ख्याल रखना चाहिए। पंजाब